नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूँगा बाराटांग आइलैंड और साथ में मड वॉल्केनो भी। बाराटांग जाने के लिए आप पोर्ट ब्लेयर अबरदीन बाज़ार से बस ले सकते हैं और बस लेकर आपको जिरगा टांग तक पहुँचना होगा और वहाँ से आप कानबाई में आगे जाएंगे। बीच में आपको ये जरावा रिजर्व एरिया पड़ेगा जहाँ हमारे जरावा जनजाति रहती है। तो बने रहिए वीडियो में, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी, और बने रहिए इस वीडियो में, देखते रहिए फुल वीडियो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज की हमारी जो यात्रा है वो पोर्ट ब्लेयर टू बाराटांग है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हम अभी फ़िलहाल यहाँ पर जिरगा टांग पर पहुँच चुके हैं और जिरगा टांग से हम लोग कानबाई में, इतनी जो ये सारी गाड़ियाँ वेट कर रही हैं, ये सब कानबाई के लिए वेट कर रही हैं और यहाँ से ये लोग कानबाई में पुलिस की सुरक्षा में जरावा आरक्षित जो क्षेत्र है, वन्य क्षेत्र, उससे हम लोग निकलते हुए बाराटांग पहुँचेंगे। तो ये है जिरगा टांग, ये जगह है जिरगा टांग, और ये जिरगा टांग इतनी सुंदर जगह है। देखिए आप, यहाँ बादल मतलब कोहरा लगा हुआ है, बारिश का मौसम है, और वो सारी बसें सारी जो है इसके लिए वेट कर रही हैं जब ताकि हम यहाँ से कॉन्वॉय में निकलें। और ये देखिए कितना सुंदर मौसम हो रहा है, जंगल और मौसम देखिए आप, अगर देख सकते हैं तो कितना सुंदर सा मौसम हो रहा है। अनाउंसमेंट हो रहा है कि आपको क्या वहाँ पर करना है, क्या नहीं करना है जरावर के साथ। तो दोस्तों, अभी जिरगा टांग में एक ये मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर लग रहा है, और इस मंदिर के पास हम लोग थोड़ा रुके हैं और यहाँ से होके हम अभी जाएंगे सीधे बाराटांग। अभी बजा है सुबह का 5:15 और अभी यहाँ से 6 बजे कॉनवॉय ओपन होगी और 6 बजे कॉनवॉय के लिए हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सारी कॉनवाई सिर्फ बाराटांग जाने के लिए वेट कर रही है और 6 बजे यहाँ से कॉनवाई ओपन होगी। सब एक साथ पुलिस की सुरक्षा में हम लोग निकलेंगे, आगे पुलिस की गाड़ी और पीछे पुलिस की गाड़ी रहेगी, और यहाँ से बाराटांग तक ये पुलिस की गाड़ी साथ में रहेगी ताकि वहाँ के जो जरावा जनजाति हैं उनसे हमारा संपर्क डायरेक्टली ना हो पाए या वो हम लोगों को अननेसेसरी अटैक ना कर पाए। तो दोस्तों, ये है यहाँ का बस स्टॉप। आपको घूमने वाले जो बीचेस हैं वो क्या क्या हैं, जहाजी बीच है, माउंट हैरियट है और वंडूर बीच है। इसमें से दो में तो हम चले गए, सनसेट, चिड़िया टापू, इनमें तीन में तो हम चले गए, जहाजी बीच अभी तक देखा नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है जरावा आरक्षित क्षेत्र, जरावा रिजर्व एरिया और जरावा फॉरेस्ट रिजर्व। तो यहाँ से आगे ये जो बैरियर लगा हुआ है, इस बैरियर से आगे, ये जो बोर्ड लगा है इससे आगे जरावा रिजर्व एरिया है, जहाँ पर हर कोई नहीं जा सकता विदाउट परमिशन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो हम लोग अभी यहाँ पर ही वेट कर रहे हैं। ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, ये सारी गाड़ियाँ यहाँ वेट कर रही हैं, सिर्फ जरावा रिजर्व एरिया से होके निकलने के लिए। अलग अलग गाड़ियाँ हैं, जैसे रंगत जा रही है, उसके पीछे दिगलीपुर है, और ऐसे ऐसे करके बाराटांग भी हैं। हर जगह जाने के लिए गाड़ियाँ हैं, बट होके रास्ता वही है, उसी रास्ते से होके जाते हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर वन है यहाँ का, आप देख सकते हैं आसमान में भी बादल लगे हुए हैं, और अगर हम लकी रहेंगे तो हमको जरावाज के दर्शन हो जाएंगे, और लकी नहीं तो फिर हम बिना देखे ही जरावाज को आ जाएंगे। यहीं साफ, आज लगता है मौसम थोड़ा ठीक होना चाहिए, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी जा रहे हैं दोस्त हम मिडिल स्ट्रेट टू बाराटांग आइलैंड, जो सामने जट्टी दिखाई दे रहा है,
बोट सा वहाँ पर लगेंगे, ये है बाराटांग आइलैंड। तो अभी हमारा जो रूट रहा वो मिडिल स्ट्रेट, और देखिए अभी आने वाले समय में ये ब्रिज भी बन रहा है, इसके ऊपर ब्रिज रहेगा और ये बाराटांग आइलैंड को मिडिल स्ट्रेट से इन पे ब्रिज बनेगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए, अभी अंदर जाकर ही ज़्यादा पता चलेगा। तो ये बोट, ये फेरी जो है हमारा अभी जाके वहाँ लगेगा और उसके बाद पता चलेगा बाकी आगे क्या है। तो हम अभी पहुँच गए हैं बाराटांग और ये देख सकते हैं व्हीकल फेरी से कैसे बस उतर रही है। इसको व्हीकल फेरी बोलते हैं, इसमें आप बस, गाड़ी और जो भी पैसेंजर हैं सब लोग इसमें जा सकते हैं। दोस्तों आपको बाराटांग आइलैंड में आने के लिए मिडिल स्ट्रेट से ये फेरी, व्हीकल फेरी लेनी पड़ेगी, जिससे आप बाराटांग आइलैंड में उतर सकते हैं बस, गाड़ी जो भी आप लेकर आएँ उनके साथ। इसका टिकट लगभग 20 रुपये के आसपास है और आप यहां से उसके बाद मड वेल्केने जा सकते हैं, और साथ में आप जो यहां का एक फेमस वॉल्केनो, लाइव वॉल्केनो है वहां जा सकते हैं, और साथ में लाइमस्टोन केव है उधर भी जा सकते हैं। आपको ओनली बाराटांग में ये दो जगह जानी है तो ये एक दिन में भी हो सकता है, क्योंकि एक दिन में आप सुबह यहाँ से चले जाएंगे, लगभग 4:30 बजे यहाँ से बस मिलती है और वो बस आपको 5:30 बजे तक जिरकाटांग पहुँचाती है, और जिरकाटांग से आप कानवाई में 6 बजे जो है वो कानवाई छूटती है पहली वाली, और वहाँ से आप जा सकते हैं सीधे बाराटांग आइलैंड। देख सकते हैं यहाँ पर हम बाराटांग पहुँच गए और बाराटांग, वेलकम टू बाराटांग लिखा हुआ है, और यहाँ से हम लोग जाएंगे मड वोल्केनो। अभी अभी यहाँ धूप था, देखो अभी अभी एकदम बारिश का मौसम हो गया, अभी बारिश का मौसम में थोड़ा सा मुश्किल तो होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे, और इसको ज़रूर से पूरा तक देखिए। मड वोल्केनो ये बाराटांग आइलैंड में है, अंडमान निकोबार के अंदर, और अभी जाते हुए मड वोल्केनो की तरफ। बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम है। अभी मड वोल्केनो की तरफ हम बढ़ रहे हैं और देखते हैं हमें कैसा मिलता है मड वोल्केनो। ये जो पानी आ रहा है, ये पानी जो वोल्केनो है उसी से आ रहा है, उसी का जो मडी पानी है ना, ये वोल्केनो का ही है। तो हम आगे जाके देखेंगे एक्चुअल में वोल्केनो है कहाँ पर और कैसा है। तो ये आ गए हम मड वोल्केनो में, ये जो आगे दिखाई दे रहा आपको, ये बहुत पहले यहाँ पर जो ऊंचा ढेर सा हुआ है वो वोल्केनो इरप्शन है, और वहाँ से मड इधर उधर फैला हुआ है। तो हम देखेंगे आगे जाके। ये लिखा हुआ है मड वोल्केनो इज क्रिएटेड बाय नेचुरल गैसेस इमिटेड बाय डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर अंडरग्राउंड। तो बेसिकली मिट्टी के अंदर से एक गैस निकलती है जिसकी वजह से ये वोल्केनो इरप्शन होता है। अब यहाँ पर इन लोगों ने गैस के लिए कुछ अरेंजमेंट भी लगाया सो दैट उस गैस का हम यूज़ कर पाएँ। ये वो मड वोल्केनो है, ये जो बबलिंग हो रहा है जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो बबलिंग हो रहा है ये एक्चुअल में लाइव वोल्केनो है इसके अंदर। दोस्तों इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो जो कि विजिट टू लाइमस्टोन केव है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और आप उसको ज़रूर देखिए, आपको लाइमस्टोन केव में घूमने में बड़ा मज़ा आएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करके बताएँ कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।